नमस्कार दोस्तों, 30 रुपए में थाली यहाँ पर मिलती है और यहाँ आपको आलू पनीर छोले दाल मखनी खिचड़ी आदि सब कुछ मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो दुकान है ये इनका नाम है जय माँ तारा। ये दुकान कलकत्ता में है, डेकर्स लेन में। यहाँ पर ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मैंने कुछ वीडियोज़ यहाँ देखे थे तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ पर आता हूँ और इसलिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ व्लॉग यहाँ पर मैंने बनाया है, क्या ये यहाँ पर बेचते हैं आदि उसी के संबंध में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, काफ़ी सारे यहाँ बड़े बड़े भगोने रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं दाल मखनी आदि है और बहुत तरह के यहाँ पे आपको सब्जियाँ मिल जाएंगी। ये देखिए ख़त्म भी हो जाएगी, जब तक मैं पहुँचा था तो काफ़ी कम बचा था। मिक्स्ड वेज है, ये आलू 65 है इनका, बढ़िया अच्छा है काफ़ी। पनीर बनाते हैं, बटर पनीर है, मटर पनीर है और तरह तरह के इसमें साग वाला पनीर भी है, आपको छोले में पनीर मिल जाएगा। तो बहुत तरह के स्वादिष्ट व्यंजन ये बनाते हैं और पनीर के विशेषकर बहुत तरह की वैरायटी बनाते हैं। मिक्स वेज इनका काफ़ी पॉपुलर है, शनिवार आदि को खिचड़ी भी बेचते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका। और रही बात रोटियों की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीबन 3-4 तरह की रोटियाँ भी है, तंदूरी है, नान है आदि आदि। यहाँ पे आपको सामान्य रोटी भी मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगा कि यदि आपको यहाँ कभी आना होता है या आप आसपास ही कहीं रहते हैं तो निश्चित आप एक बार आके इसको ट्राई करें और मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लगभग 20 वर्षों से ये दुकान यहाँ पर चलाई जा रही है और पूरा वेज ही यहाँ पर मिलता है, सारे के सारे व्यंजन। आइए जो इनके ओनर हैं उनसे बात करते हैं। हाँ भाई साहब, अब जो देखे पूरा प्योर वेज आइटम आपका, पूरा नॉन वेज है, कुछ भी नहीं मिलता जी जी। और आए भाटीटा देख तो भाटीटा, दुकान का नाम जो है जय माँ तारा जी का दुकान है जी। जो भी आपको मिलेगा प्योर वेज ही मिलेगा, नॉन वेज यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखते देखते हम 20 ईयर्स। और पनीर का आइटम मिलेगा आपको 500 डेली, एवरीडे 5-6 किस्म का पनीर का आइटम मिल जाएगा। अच्छा, गोभी का आइटम मिलेगा एवरीडे, जहाँ आपका सीजन में जो गोभी खिलाते हैं, हम सीजन में खिलाते नहीं है, ऑफ सीजन में हम गोभी का कोई भी आइटम हो, गोभी का सब्जी हो, गोभी का रोस्ट हो, गोभी मसाला हो गया, ये सब वगैरह रहता है। और स्पेशली सैटरडे को खिचड़ी बनता है और हम चाहते हैं कि 2-4 बार पानी आ जाए, पानी बरसे, तो उस समय भी आपको खिचड़ी मिल जाए। और आपका एक थाली खिचड़ी थोड़ा पानी गिरा, हाँ टाटा, आज भी थोड़ा पानी गिरा, थोड़ा हम खिचड़ी भी बना दिया, पुलाव भी रहता है, रोटी 4-5 किस्म का रोटी भी रहता है, बटर नान है, कुलचा है, तंदूरी है, तवा रोटी भी है। और आपका एक प्लेट जैसे 30-32 रुपए का रहता है? नहीं, 32 रुपए का। 32 कोई भी सब्जी एक तो खाइएगा, गोभी और पालक पनीर छोड़ के, दो तंदूरी लेके खाइएगा, 32 रुपये थाली। और आपका तवा रोटी या फुलका, हम लोग बोलते हैं फुलका, देखिए खाइएगा, दो फुलका कोई भी आइटम खाइएगा, एक तो गोभी और पालक छोड़ के, तो उसमें आपको 30 रुपीज़ पाँच लोग। और अब राइस खाना है तो राइस और सब्जी वगैरह जो मिलता है राइस के साथ कोई भी आइटम लीजिएगा 60। और खिचड़ी का साथ देते हैं भाजी, थोड़ा चीप, बहुत सारा आदमी देखते हैं हम चोखा उखा बना के खिलाते हैं, हम इससे बनाते हैं एकदम सिंपल, एकदम मतलब हट के, जो कोई बनाते नहीं हम वही दूसरा चीज़ बना के हम खिला देते हैं। तो वही चीज़ हो गया, खिचड़ी आप खाइएगा तो 50 रुपये पाँच। आपका टाइमिंग यही है? टाइमिंग आप सुबह आइएगा तो 7:30-8 बजे आइएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन टोटल क्वान्टिटी, टोटल जो आप सामान वगैरह जो बन जाता है वो आपको मिलेगा। इस समय आपको तवा रोटी मिलेगा, सब्जी वगैरह भी सबको मिलेगा, नहीं तो आपको सब कुछ 10:30-11 बजे से लेके आपको सब कुछ मिल जाएगा, बटर नान, कुलचा, तंदूरी, खिचड़ी, चावल सब मिल जाएगा। ठीक, जय माता जी जी। मत लीजिए, खिचड़ी खा रहे हैं, बताइए स्वाद भी अच्छा बोले खाने नहीं है। बताइए कैसा है स्वाद इसका? बहुत ही बढ़िया है। चल बढ़िया है तो बढ़िया बनाते हैं। हाँ हाँ,